नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान की एक और गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, जिसका नोटिफिकेशन RSM SSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो हम देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितनी क्या पोस्ट है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। और दोस्तों, वैकेंसी के बारे में बताने से पहले आप सभी को धुरीना एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा, जहाँ से आप जो राजस्थान पुलिस का कंप्लीट कोर्स है जो सुभाष चारण सर के द्वारा करवाया जा रहा है, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा के कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही मैं आपको धुरीना एप्लीकेशन पर राजस्थान पुलिस पटवारी JVNL रीट RPSC के सभी की लाइव क्लासेस, वीडियो, फ्री नोट्स, फ्री टेस्ट, सब कुछ धुरीना एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम देखते हैं जो RSMSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है वेबसाइट पर। तो आपको देख सकते हैं जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 दिसंबर 2019 के दिन। कल एक साथ दो नोटिफिकेशन जारी हुए थे, एक तो पटवारी का और दूसरा था आपका फार्मासिस्ट का। तो ये भर्ती 2018 की है, लेकिन जो EWS और MBC आरक्षण दिया गया था, इसकी वजह से इसके फार्म फिर से रीओपन किए जाते हैं। तो टोटल आपकी 1736 पदों पर ये वैकेंसी है, जिसमें 1538 नॉन TSP के एंड जो TSP एरिया के 198, जो फार्मासिस्ट की पोस्ट रहती है उसके लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, तो पहले भी 2018 में भी 1736 पद ही थे एंड जो रीओपन हुआ है तब भी इसमें 1736 ही पद है, पदों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुआ है। और इसके ऑनलाइन फॉर्म से जो आप 11 दिसंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है इसकी 10 जनवरी है, ठीक है। तो आप SSID के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले अप्लाई किया है उन्हें आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई संशोधन करवाना चाहता है तो करवा सकता है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें जो आपकी है, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, तो आपके पास डिप्लोमा आना चाहिए एंड जो आपका रजिस्ट्रेशन भी हो रखा होना चाहिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल है उसके अंदर। एंड साथ ही में आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए देवनागरी लिपि की, एंड साथ ही में राजस्थानी संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। और इसमें जो आपका वेतनमान है पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार रहेगा, ठीक है। एंड जो अभी कोर्स कर रहे हैं फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तब तक आपका जो कंप्लीट हो जानी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। एज लिमिट इसमें न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम इसमें 40 वर्ष है। बाकी कैटेगरी वाइज इसमें छूट रहेगी जैसे हर वैकेंसी के अंदर रहती है। तो फार्मासिस्ट वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप सभी देख लीजिएगा, फुल इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। और इसका एग्ज़ाम भी जल्दी ही हो जाएगा, जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर संभावित है इसका एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आपकी इस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन देनी थी, और आज आपके दोस्त यानी मेरा जन्मदिन है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का प्यार एंड सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बना रहेगा, हम सभी मिलकर ऐसे ही अच्छे से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आप सभी देख लीजिएगा, फार्मासिस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट भी आ रहे थे कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी के फॉर्म रीओपन कब होंगे, तो फाइनली फॉर्म रीओपन हो चुके हैं 1736 पदों के लिए, ठीक है। तो 11 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे। और जो राजस्थान की करंट अफेयर्स के लिए हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको लाइव टेस्ट मिल जाएंगे एंड जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है, राजस्थान पुलिस का भी आ चुका है, एंड जो हाई कोर्ट के अंदर भी वैकेंसी निकल रखी है। तो अभी आपके पास बहुत सारे चांस है गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए, ठीक है दोस्तों। और जो पटवारी के अंदर इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी को RSAT की ज़रूरत नहीं है, यानी जिन्होंने भी BTech कर रखा है उन वो सभी एलिजिबल है विदाउट RSAT कोर्स के अंदर। जो IIT वाले हैं उनको भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।